नमस्कार। आज हम कबीरदास जी के एक और दोहे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और यह दोहा, जिसे कबीरदास की भाषा में साखी कहा जाता था, साखी का तात्पर्य होता है साक्षी यानी प्रमाण, तो एक ऐसा ही दोहा हम ले रहे हैं। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी एक क्रांतिकारी संत कवि थे, वे महात्मा थे, साधु जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां थी, जो पाखंड था, जो दिखावा था, जो धर्म को उसके वास्तविक अर्थ में नहीं समझने का ज्ञान था, उसके विरोध में वे लगातार अपनी साखियों के माध्यम से चोट करते रहते थे। यहाँ वो कह रहे हैं कि जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और अपने आप को इसलिए मुसलमान कहते हैं, वे ईंट पत्थरों से एक मस्जिद का निर्माण करते हैं, फिर मस्जिद के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मुल्ला जी चढ़कर बांग देते हैं। बांग देना, जैसे मुर्गा बांग देता है, जोरों से चिल्लाता है, ठीक उस तरह मुल्ला जी भी अपने कानों को बंद करके बहुत ऊंची आवाज में अजान देते हैं। तो कबीरदास जी इस पर व्यंग करते हुए सवाल करते हैं कि भाई, क्या आप खुदा को बहरा समझते हो जो इतनी जोर से आवाज लगाने की आपको जरूरत पड़ रही है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर हो या खुदा हो या और किसी भाषा में उसके लिए जो भी संबोधन शब्द हो, वह इतना क्षमतावान, इतना शक्तिवान होता है कि उसे हम बहरा नहीं मान सकते। वह तो आत्मा की, रूह की महीन से महीन आवाज को भी सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए ऐसा करना सिवाय एक दिखावे के और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह कबीरदास जी इस दिखावे पर, इस पाखंड पर, इस अज्ञान पर भरपूर प्रहार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।